आप नहीं दिख रहे। क्यों? बोर्ड तो दिख रहा है ना? हाँ बस बोर्ड दिखना चाहिए। इसको अपलोड कर देंगे अपन, दोनों बच्चों को दे देंगे, उनका भी भला हो जाएगा, रिपीटर वालों का। हाँ एक एक SHM वेव्स कर देंगे उनको, उनका थोड़ा टाइम भी कम है, उनको 31 तक कराना है। अब फिर से ये वो वापस वहीं जाके बोलूंगा तो मतलब क्या रहेगा? ओके चलो बस ठीक है चलिए। सर वीडियो में एक दिक्कत ये होती है कि वो जूम आउट नहीं होता। हाँ चालू हो गई। चलो अब जल्दी करो यार। हाँ देखो ये तो करते रहेगा, सुनो आप लोग अब जरा सब लोग, ये जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है साढ़े आठ बजे कर लिया करो, कल से 8:30 बजे आप लोग लिंक भेज दें। ये बेटा आपकी जिम्मेदारी है, 8:30 बजे लिंक भेज देना, 10 मिनट में सबको जल्दी ऑनलाइन बंद कर देंगे, अभी आ नहीं पाएंगे सब लोग। चले ऑनलाइन धीरे धीरे ठीक है बंद भी कर देंगे। चलो गए सुनो अब आप लोगों ने जो अभी तक का रास्ता तय किया है, मतलब 11th क्लास का, उसमें हर एक सब्जेक्ट में कुछ छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं, तो थोड़े से अभी हर्डल्स आप लोग के लिए ये बचे हैं कि जो ऑसिलेशन और वेव टॉपिक है वो बेसिकली थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा मतलब मैथमेटिकल है। आप कह सकते हो सर बाकी टॉपिक भी मैथमेटिकल ही थे, अभी तक इंटीग्रेशन भी कर रहे थे, कैलकुलेशन भी कर रहे थे, वो मैथमेटिक्स नहीं, वो तो फिजिक्स का पार्ट है कि कैलकुलेशन करना है, बट जो ऑसिलेशन टॉपिक होता है, क्योंकि वेव अपने आप में खुद एक मैथमेटिकल चीज़ है, जो वेव्स होती है वो अपने आप में खुद मैथमेटिकल है, उसकी इक्वेशन भी होती है, और सही मायनों में वेव बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, तो जिसकी डीप स्टडी ना आप कर सकते हो ना इंजीनियरिंग वाला बच्चा कर सकता है, तो इसको हम लोगों को सिर्फ उतना ही लेना है, सिर्फ उतना ही लेना है जितना हम लोगों के लिए काम का है। जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर वेव पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने भले ही पढ़ ली, बट कोई बच्चा उसके बारे में जानता नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा जो आप लोगों के सिलेबस में काम आता है वही जानते होंगे, हल्का पुल्का वेव फंक्शन की आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर ली होगी। मैं आवाज कम यही तो बट खड़ा से बोल रहा हूँ, बताइए तुम लोग थोड़ा बेटा जल्दी करके रखा करो, टाइम देखो ये बालिका ने माइक ऑन नहीं किया। ठीक है बेटा आ रही आवाज, अगर अभी भी नहीं आए तो यहाँ आ जाना फिर तुम, है ना? कोई बात नहीं, क्या हो रहा था? मैं आपको इंटरप्ट मत करना बीच में, क्या हो रहा था? तो श्रोडिंगर वेव भी उसमें वेव फंक्शन आता है, तो वेव फंक्शन अपने में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। मेरे इंजीनियरिंग के सिलेबस में 10 पेज का डेरिवेशन था, 10 पेज का डेरिवेशन में मैं एग्जाम में करके आया था 20 नंबर का, 10 पेज का डेरिवेशन मेरे को आज भी आता है, पार्टिकल इन अ बॉक्स के डबल डिफरेंशियल बहुत लंबे लंबे, हालांकि अपने को पूरा समझ में नहीं आया था, बट कुछ रटना और मैथमेटिकल के थे कुछ समझ लिया, तो ये ऐसी चीजें आप समझ नहीं सकते। वेव फंक्शन क्या होता है तुम बताओ, मेरा नहीं हुआ है, तुम बताओ, नहीं आता किसी को भी, क्योंकि पॉसिबल नहीं, साए तुम ये जानते हो,
दो चार हल्के फुल्के ग्राफ देख लिए होंगे, उसमें नोट देख लिया होगा, नोट्स नोट्स आते ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंडिंग नोट्स एंड नोट्स आर प्रेजेंट, बस वो एन ओ डी ई एस। तो वो उतनी ही चीज है केमिस्ट्री में जो कि एक काम चलाओ जो हमारे सिलेबस में आ जाए, क्योंकि सही मायनों में तो वो केमिस्ट्री वाले भी नहीं जानते कि श्रोडिंगर भी क्या होती है क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पर भी ऐसे जब में ऐसा है कि थोड़ा ही अलग टॉपिक है, जैसे न्यूटन्स लॉ में प्रैक्टिकल है, फ्रिक्शन में प्रैक्टिकल है, खींचेंगे वो खींचेगा, वर्क डन में हम वर्क कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में रस्सी ढीली हो रही है, तेज हो रही है, दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल थिंग्स जो समझी जा सकती है बिल्कुल 100%। बट जो वेव्स वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल है, तो उसको पढ़ने का एक अपना एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो बाकी सभी फिजिक्स के टॉपिक से बच्चों आप इसको आइसोलेट रखिए, जैसे फ्लूइड्स को बहुत समझा जा सकता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिकल बात है बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये एक अलग ट्रैक पे है। तो जो लोग मैथ्स फोबिक हैं कि फिलिक हैं, फोबिक, जो लोगों को मैथ्स फोबिक हैं, जो मैथ जिनको डॉक्टर ने मना किया मैथ्स पढ़ने के लिए, तो वो लोग भाई दिल पे ना ले, आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, नीट में दो क्वेश्चन आते हैं, ढाई क्वेश्चन, ढाई का मतलब है SHM ऑसिलेशन वेव्स पे से नॉर्मली तीन क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी दो बन गए, तो दो तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे और मैक्सिमम तीन आ सकते हैं, तो उसका एवरेज अपन मान लेते हैं तो 10 नंबर आप लोगों को ये दिलवाएगा। और अगर इसको मेरे हिसाब से चलोगे कि सीधी सीधी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को याद रखना है, इसमें ये पैरामीटर होते हैं, तो वो लोग फायदे बनेंगे। बट जो लोग दुकान है अपने लोग डाउट की, इन लोगों के लिए भूमिका बना रहा हूँ, पहले मैं वैभव के लिए और दिव्या के लिए, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में जानता हूँ काफ़ी कुछ वेव के बारे में क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स था, बट वो आप लोगों को बताने उचित नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक है ऑसिलेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे वेव्स। ऑसिलेशन का संबंध डब्ल्यू पी से है जिसमें हम लोगों ने स्प्रिंग के बारे में चर्चा करी है, तो स्प्रिंग के बारे में हम लोग पूरी बात जानते हैं। स्प्रिंग के बारे में क्या बात जानते हैं हिमांशु, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? के इनटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? पहले एक बार पुरानी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? और जो लोग भाई बैठ के सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनने वाले लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं भाई, श्रोता बन के ना रहें, टू वे कम्युनिकेशन करें। युद्ध में रशिया बम मार रहा है तो अब यूक्रेन भी मार रहा है, तो आप मैं मारूंगा शब्द, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, पूछूंगा तो जवाब भी आना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। क्यों था वेरिएबल फोर्स? ठीक है बैठो, और इसके बारे में जानकारी क्या, क्योंकि वहीं से आगे बात करें। हम लोगों ने पढ़ा है स्प्रिंग को चाहे खींचो चाहे वो हमेशा किधर आने की कोशिश करते हैं, वही कहानी यहाँ पर इस्तेमाल होगी और उसी का वो आगे का कंडीशन। जैसे डब्ल्यू पी में कोई क्वेश्चन मैंने ऑसिलेट नहीं कराया, मैंने वहां पर क्या बोल के रोक दिया था कि स्प्रिंग आई दबी 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 मैक्सिमम दबी, बस वही निकालना है, तो दब की कोई दबी थोड़ा रहेगी, फिर वो क्या करेगी ऑसिलेट। अब उसके आगे की कहानी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है SHM मतलब क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक अपने आप में एक मैथमेटिकल टर्म है जिससे हमें कोई मतलब नहीं, तो मैं कहूंगा SHM क्या है, SHM क्या है, तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को SHM के देना चाहता हूँ, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा फीलिंग तो आएगी टॉपिक में पढ़ क्या रहे, ऐसा नहीं पूरा मैथमेटिकल, ऐसा नहीं पूरा प्रैक्टिकल है, थोड़ा एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए हमारी एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक है, अभी ये क्या है एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो क्या थी? नेचुरल मतलब जब ना कंप्रेशन हो, अभी तो ऑसिलेट नहीं करेगी, मेरे हाथ में आया, मेरा हाथ आया यहाँ से, देखिए इस हाथ ने क्या किया, इस ब्लॉक को पकड़ा, इस ब्लॉक को पकड़ के हमने क्या किया खींचा, अगर इसको खींचूंगा तो ऑब्वियसली जो ये स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में क्या होगा एक्सटेंशन, इसको खींचते खींचते एक्स बराबर जीरो से
यहाँ से खींचते खींचते हम लोग कहाँ ले आए, मतलब एक्सटेंशन कितना हो गया X. बस कहानी वही है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ के इनटू एक्स, जहां पर जो एक्स होता है वो क्या होता है, या तो मीन पोजीशन से एक्सटेंशन या फिर मीन पोजीशन से क्या होगा कंप्रेशन. तो इस स्प्रिंग को पकड़ के यहां से खींचते खींचते कितना खींचा x. इस पोजीशन पे अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, ऑलवेज स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. तो इस पोजीशन पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, दैट इज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, इधर होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ के इनटू जो भी एक्सटेंशन है इनटू एक्स. ये हम लोग बात कर चुके. अब इसके आगे की बात, तो मान लीजिए बच्चों अगर इस ब्लॉक को पकड़ के खींचो एक्स और यहां लाके इसको अगर मैं छोड़ दो, अच्छा फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब सरफेस बिल्कुल क्या है स्मूथ. तो अगर इस ब्लॉक को पकड़ के मैं खींचू और छोड़ दू तो ये ब्लॉक कैसे जाएगा, करूं और खींच के क्या कर दिया मैंने, छोड़ दिया. तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये क्या होगा, वापस किसकी तरफ पहुंच जाएगा, क्या नेचुरल लेंथ पे जाते से रुक जाएगा क्या, फिर और किधर जाएगा और उसको कंप्रेस करेगा, फिर किधर आएगा, फिर इस तरह से कहानी क्या होगी, चलते चली जाए. अगर सारे लॉसेस को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, सारे लॉसेस कौन कौन से, एक तो फ्रिक्शनल लॉस है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, स्प्रिंग के अंदर जो भी एनर्जी का लॉस है अगर उन सबको नेग्लेक्ट कर दूं बच्चों, तो वो जो ब्लॉक है वो कैसा चलते चले जाएगा, ऐसा खींचा इस तरह दबाएगा फिर खोलेगा फिर एक्सटेंड होगा, इस तरह से वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा. सुनते हैं बचपन में टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब, हाँ तो ये जो ब्लॉक का टू एंड फ्रो मोशन होगा ऐसा, इधर इधर फिर इधर फिर इधर, इस टू एंड फ्रो मोशन को ये हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब उसी को बुक में वो लोग मैथमेटिकल भी समझाते हैं, वो भी हम बात करेंगे. बट अब जब जब मैं SHN की बात करूंगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए कि व्हाट इज SHN, सो दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड विद द स्प्रिंग दैट इज कॉल्ड SHN. पहला एग्जांपल, अभी तो ये स्प्रिंग कैसी है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, तो ये जो मोशन है ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसी स्प्रिंग को हम क्या बच्चों ऐसे भी लटका सकते हैं. देखिए ये मैंने क्या बोला, स्प्रिंग का कभी मास नहीं लेते, कभी देखा किसी क्वेश्चन में भी होता भी है कम भी होता है, जैसे पेन की स्प्रिंग हो गई बहुत हल्की होती, कुछ स्प्रिंग गाड़ियों की स्प्रिंग शॉकों की बहुत भारी, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्प्रिंग के मास को कंसिडर नहीं करते. तो ये एक स्प्रिंग है और इसमें बच्चों क्या लगा दीजिए, एक हुक लगा दीजिए. अभी ऑब्वियसली क्या, अगर स्प्रिंग का कोई मास नहीं है तो क्या अभी कुछ एक्सटेंशन पॉसिबल है, लास्ट में भाई सिर्फ सुनना नहीं, अगर एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है मतलब x is equal to क्या है, इसको हमने क्या बोल दिया, नेचुरल. अब देखना मेरे पास में एक वजन है और वजन में ये मेरे पास इसका वेट है, ऐसे ना सही में भारी है तो यार, तो ये मेरे पास में एक वजन है, ये मैंने वजन को लिया, अभी तो स्प्रिंग कैसी है सामान्य लंबाई पे, ये वजन लिया और इसको क्या कर दिया मैंने स्प्रिंग में ऐसा करके ऐसा टांग दिया, तो अगर इसको ऐसा करके टांग दूंगा तो क्या होगी, टांग मतलब पकड़ के ना था छोड़ दू, तो इसको मैंने ऐसा करके ऐसा छोड़ दिया, तो छोड़ दूंगा तो क्या होगी, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा, फिर से इस तरह से क्या करते जाएगी वो ऑसिलेट करते जाएगी, पहले खिंचाएगी फिर नॉर्मल पोजिशन पे आएगी फिर दबेगी, अगर सारे एनर्जी को लॉस को नेग्लेक्ट कर दें तो इस तरह से ये जो ब्लॉक है, ये जो भी ब्लॉक है बैग है उस बैग का क्या होगा, मोशन होगा टू प्रो टू, तो ये भी कहलाएगा क्या, SHN, बट ये कौन सा SHN, और ये कैसा हो गया, ऐसा नहीं है सिर्फ SHN की ये एग्जांपल है, और भी हैं, और ट्वेल्थ में भी आएंगे कुछ एग्जांपल्स, बट मोटे मोटे तौर पर 90% SHN का एग्जाम्पल ले लूँ, तो जब जब वो SHN कहूँगा दिमाग में पिक्चर बना, एक ब्लॉक जो स्प्रिंग से बन के सो 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 सो
यही हमारा क्या है SHM, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू SHM। अरे नहीं दिक्कत है, मिटाना पड़ता है। हाँ लिखो, ये ज्यादा लिखने में भी मत करना, फोटो ही भेजूंगा मैं। अब घर पे फ्री हो ना, लिखना आराम से। अभी तो लिख लो। अरे ये जब मजा ही नहीं आता, मैं पढ़ाऊं बोर्ड वर्ड पर, तुम लिखो। अभी तो लिख लो, नीचे जाएंगे ना कल से अपन बोर्ड में। ये मिठाई मोटी मजा थोड़ी ना आता, फिर एक रिदम टूट जाती पूरी। फिर लिखोगे तुम उधर, बाद फिर मैं बोलूंगा देखो इधर, तो उम्र रिदम बनाने लगेगा। ये काम फालतू है। अरे वैसे भी जब एक बार दिमाग में चले जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी। क्यों भाई, अब मैं तुमको बोलूँ मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना जानते हो, तो क्या लिखना उसके लिए, म्यू एन जानते हैं अपन, वो इतना याद रहना चाहिए कि हमेशा याद रहे। उसके लिए टेस्ट लेंगे ना आपके, और ऊपर कहाँ से बोलोगे। पर लिख लेना, मैं भेज दूंगा। पर अभी तो लिखो तुम, आज तो अपना ऑप्शन नहीं हुआ था। नोट्स में बच्चों को उनको थोड़ा फीलिंग नहीं आती है। नहीं देखो भाई, मेरे पढ़ाने में एक चीज है कि मेरा कोई फिक्स्ड वो नहीं है तरीका। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी एंड द पब्लिक। जैसी पब्लिक वैसी टीचिंग। पब्लिक मतलब स्टूडेंट। तो मेरे बनाव में जैसे मैंने पिछली बार उनको कुछ और पढ़ा दिया था, उस समय का माहौल था ऑनलाइन में, कितना वो जवाब दे रहे हैं इस समय का भी। नीचे हो सकता है कुछ और बता दो, गलत सलत नहीं होगा बस। आगे पीछे सीक्वेंस कभी ज्यादा बता दिया, कभी कम बता दिया, तो मूड पे डिपेंड। हाँ ये समझ लो, नहीं तो क्या रहता है कि अभी मैं उसकी वो शैल को जानते हो ना आप, अभी उसकी कॉपी मैं मिला रहा था, वो वानखेड़े से पढ़ा हुआ है, अभी तो पुरानी मीडियम में 25-30 साल हो गए उनको। ये सब लोग एलएन के कॉप मॉड्यूल लाइन बाय लाइन छाप रहे हैं, मतलब एक लाइन भी मिस नहीं कर रहे हैं वो लोग। अच्छा गाली वो लोग वानखेड़े वाले एलएन को ही बकते हैं, और मॉड्यूल किसका, एलएन का। अभी ये कैसे, तो वो एक बार मॉड्यूल खोल के बैठा था, मैंने उसको देख लिया, मुझे तो मॉडल याद है पूरा एलएन का, मैंने देख लिया। अच्छा मिलने को एलएन का मॉडल लिखा है, क्योंकि गोल्डन की पॉइंट्स और सब उसमें लिखे रहते हैं। अब पढ़ाते पढ़ाते कल मैं मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते सोलेनोइड आया, सोलेनोइड आया, इधर एक लड़की एलएन का मॉडल लेके बैठी थी, और इधर वो लेके बैठा वानखेड़े का मॉडल। तो एकदम से मैंने देखा पढ़ाते पढ़ाते सोलेनोइड आया, मैंने शायद कॉपी खोलना था, एक मिनट देखना इसमें क्या सोलेनोइड का डेरिवेशन दिया होगा। उसने खोला डेरिवेशन, डेरिवेशन के बाद मैंने देखना 3-4 केस लिखे होंगे, देखना उसके बाद टोरॉइड लिखा होगा, बोला हाँ सर लिखा है। इनका इसके बाद देखना इंपॉर्टेंट की नोट करके 3-4 नोट लिखे होंगे, उसमें पहला पॉइंट ये है, बोला हाँ। अब मैंने उस बच्चे को देखना जरा इसका मॉडल पढ़ो, लाइन बाय लाइन मतलब थोड़ा एक हल्का पुल्का तो चेंज कर दे। उसमें लिखा था आउटसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड अप्रोचेस टू जीरो, इसकी कॉपी में वानखेड़े से पढ़ाई है मैंने। अब इसका पढ़ना, तो उसमें अप्रोच भी नहीं काटा उन्होंने, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड अप्रोचेस टू जीरो। कॉपी करने की वो इंतहा है, डेरिवेशन कौन बताता है रिपीटर क्लास में। लेट द वो बी वी एंड बी वी, मैंने उसको बोला मिलाओ भाई दोनों के दोनों, तो वो गाली सारे सब लोग एलएन को बकते, बाहर वाले सब कोचिंग वाले 90% लोग वहीं का फॉलो कर, आप दूसरे किसी को मिला और मेरे भी मिलाना जरूर, ऐसा नहीं। क्वेश्चन किसी के नए नहीं होते, मैंने कुछ नहीं बनाए ऐसा, बुक में मैंने भी किए होंगे, बट जो मेन बात है वो थ्योरी का प्रेजेंटेशन है, क्या उसको कैसे रख रहे हो, कहाँ पर रख रहे हो। अब उसको मिला वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिलाओ, देखो भाई सीक्वेंस देखो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, मैं थोड़ा ना बोलो बैंकिंग वाले फॉर्मूले मैंने बनाए, मैंने भी बुक से ही देखे भाई, बट टापना और खुद का प्रोजेक्शन में फर्क है। तो आप लोग थ्योरी पढ़ो, मेरा मेन पर्पस ही भाई
क्वेश्चन वोशन तो ठीक है। अब हम लोगों को ये तो हमने कुछ एग्जांपल पढ़े ऐसे चल के। देखो एनसीईआरटी वैसे मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से बहुत गंदी लैंग्वेज लिखी है, पढ़ोगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा। थ्योरी किसी की नहीं पढ़नी है, सिर्फ कॉपी पढ़ो उतना काफी। क्वेश्चन के लिए आप एमटीजी लो सबसे पहले को, जो एनसीईआरटी है एमटीजी कर ली मतलब एनसीईआरटी कर ली। दूसरे मॉड्यूल्स करो एलएम के, रेजोनेंस के मैं आपको दे रहा हूँ, डीसी पांडे के चेक पॉइंट्स और मेडिकल गैलरी का। इतना ही आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा, थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब एसएचएम क्या है और उसकी जो सबसे पहली वाली इक्वेशन है वही आप लोगों की मेन है, तो वो देखना। तो हमने बोला चूंकि एसएचएम का मतलब ऑसिलेशन। अब देखो जहां भी बच्चों ऑसिलेशन शब्द आता है ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा मतलब आपको कल समझना है मेन। तो आपने बोला सर हम बचपन सुन रहे हैं, जहां भी ऑसिलेशन आता है वहां पर हमारा क्या होता है, टू एंड फ्रो मोमेंट। ठीक है, टू एंड फ्रो मतलब अब ऑसिलेशन जहां भी आता है तो वहां पर मीन पोजीशन का भी जिक्र होता है और एक्सट्रीम पोजीशन का भी जिक्र होता है। मीन और एक्सट्रीम मैंने पहले भी बताई थी, कहां पर वहां भी तो यही हो रहा था कि सिंपल पेंडुलम जो घड़ी का है वो भी तो ऑसिलेट कर रहा है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन कितनी होती है, एक के दो, तो मीन मतलब बीच वाली, तो इधर भी क्या होगा एक्सट्रीम और इधर भी क्या होगा एक्सट्रीम, तो वो भी ऑसिलेशन है और ये भी ऑसिलेशन है। फर्क क्या है यहाँ पे, ऑसिलेशन क्या हो रहा है। मैंने बोला जब जब ऐसे चम बोलूंगा एक ब्लॉक को एज्यूम करोगे, वो ब्लॉक किससे बंधा हुआ है, खींचा और वो क्या कर रहा है ऑसिलेट। बट क्वेश्चन में बार बार हम लोग स्प्रिंग नहीं बनाए, तो नहीं बनाई तो बच्चों इसका मतलब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहां पे स्प्रिंग है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है तो जो आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए वो पिक्चर ऐसी बननी चाहिए कि ये ब्लॉक है, इधर ऑब्वियसली स्प्रिंग क्या है, बंधी हुई है, बट बार बार बताएंगे नहीं, ये क्या है x बराबर c। हाँ अभी नहीं बेटा, ये x बराबर क्या है जीरो। यहां से ये ब्लॉक जाएगा पहले कहां तक, ये एक्सट्रीम पोजीशन नंबर वन, तो यहां से पहले वो कहां गया, इधर गया एक्सट्रीम तक, फिर एक्सट्रीम से किधर जाएगा, से किधर जाएगा पहले मीन, फिर मीन से किधर जाएगा, नेगेटिव ऑफ एक्सट्रीम, तो यहां से फिर जाते 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 ये जाएगा, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन नंबर टू है, फिर वहां से वापस किधर आएगा मीन, इस तरह से क्या करेगा। तो शुरू के आधे घंटे थोड़ा सा एक बिल्कुल लीक से हटके पार्ट, ये ऐसा पार्ट है जो आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं, ना कभी कोई नाइन्थ टेंथ में जिक्र आया, इसलिए शुरुआत में इसको थोड़ा धीरे धीरे हम लोगों को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग बंदी है, स्प्रिंग से वो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन के लिए कुछ टर्म्स जरूरी है, पहली टर्म है एम्पलीट्यूड। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी, ये टेंथ क्लास में भी आता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत से लोगों के लिए आज भी वेव क्या है, किसी से पूछा वेव क्या है तो बोले सर ये है, अरे वो वेव नहीं होती, वो रिप्रेजेंटेशन है। एम्पलीट्यूड किसी का भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड की बेसिक डेप्थ सुनना क्या है, सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजिशन। ये तो इंग्लिश में बोला, मजा नहीं आया, हिंदी में क्या है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगी, देखो ये मीन पोजीशन है, यहाँ से वो ब्लॉक मैक्सिमम कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो क्या ये दूरी कौन सी, ये वाले, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो इसको देखना बच्चों, कहते हैं ध्यान से देखना, ये भूमिका बना रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं प्लस, ए मतलब प्लस क्यों लगाया, तो ये पॉजिटिव साइड का एम्पलीट्यूड है
और फिर कहाँ आएगा मीन, फिर किधर जाएगा उधर, तो इसको क्या बोलेंगे x बराबर माइनस। तो ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड और ये क्या है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। It is the distance between what तुम खुद बनाओ ना, it is the distance between the mean position and the extreme position। ठीक है, ये देखो। हाँ, देख लो दीदी क्या मतलब तुम लिखने में फोकस कर रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, सुनो भेज दूंगा मैं, पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पर रखे, बाकी को इधर ध्यान मात्र को इधर देखो बेटा, मजे नहीं। अब तुम नीचे देख रहे हो, मैं ऊपर बता रही हूँ, देखो इधर। तो मतलब उसका जो ऑसिलेशन होगा, बस सारी कहानी पहले इक्वेशन से बता रहा हूँ क्योंकि वही थोड़ी मेन है, एकदम सहजन नहीं होती। तो इसका मतलब हमने जो बोला ऑसिलेशन कैसा होगा, तो x बराबर जीरो से, x बराबर जीरो से प्लस a पे, फिर जीरो पे, फिर माइनस a पे, फिर सीखे। अब एम्पलीट्यूड के बाद जो बच्चों अगली टर्म आती है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। सभी ने सुनी है टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगा गया समय, उसे रट क्यों रहे हो, किसी भी चीज में एक ऑसिलेशन पूरा करने में समय कितना लगा। अब एक ऑसिलेशन पूरा कब होगा बच्चों वो देखिए, तो एक ऑसिलेशन पूरा कब होगा, चालू कहां से हुआ, मीन पोजिशन से, जहां चालू हुआ बच्चों क्या हुआ, t is equal to 0.2। अब मुझे बताना एक ऑसिलेशन कब पूरा होता है, देखो तो सबसे पहले t is equal to 0, यहां t is equal to 0 से पहले कहां जाएगा, प्लस a पे, क्या एक ऑसिलेशन हो गया, प्लस a से फिर वापस कहां आएगा, 0 मीन पे, क्या एक ऑसिलेशन हो गया, फिर कहां जाएगा, माइनस से, फिर कहां जाएगा, 0। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर यही फंडामेंटल है, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड इसका आगे बहुत इस्तेमाल होना है। तो एक ऑसिलेशन कब होता है, जब वो चार वन फोर्थ चक्कर काटता है, चार वन फोर्थ चक्कर मतलब देखो क्या है, तो जब जीरो से प्लस ए पे जाएगा तो कितने ऑसिलेशन होंगे, वन फोर्थ, तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन कंप्लीट होगा वो वन फोर्थ होगा। जब प्लस ए से जीरो पे पहुंच जाएगा यहाँ पे तो कितना ऑसिलेशन हो जाएगा, आधा, मतलब वन फोर्थ, और फिर से कितना, वन फोर्थ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आधा। फिर जीरो से जब माइनस ए पे पहुंचेगा यहाँ, तो यहाँ कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, थ्री फोर्थ, और जब वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो। तो उसी को अगर टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो टाइम पीरियड के फॉर्म में कैसा लिखेंगे, देखना ध्यान से, यही तो टाइम पूछूंगा मैं आगे क्वेश्चन में जाके, मैं बीच का किसी का टाइम पूछ लूंगा, तो बीच का कब निकाल पाओगे, जब आपको ये पता होगा कि टाइम पीरियड होता क्या है। तो अगर SHM को टाइम पीरियड के टर्म्स में देखें, ऑसिलेशन को, SHM तो भारी शब्द है, अगर सिंपल ऑसिलेशन को देखो तो इस डायग्राम को बना बना के पुराना कर देना, इसको जितना बनाओगे उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा। देखो तो हमने बोला यहाँ t बराबर 0, यहाँ से यहाँ गया ऑसिलेशन, टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल T बाय 4। कैपिटल T मतलब सिंबल, ध्यान रखो यहाँ पर जो कैपिटल T सिंबल होता है वो किसका होता है, टोटल टाइम पीरियड का। तो 0 से, अब क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि 0 से प्लस a तक जाने, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 0 मतलब क्या, मेन पोजीशन से कहां तक जाने में, पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, वन फोर्थ ऑफ अ टोटल टाइम। फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम से फिर मीन तक जाने में कितना लगेगा, और टी बाय फोर, तो यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी बाय टू, फिर यहाँ तक जाने में बाय फोर, और वापस यहाँ आने में कितना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में आप लोगों से बीच का टाइम पूछूंगा, अभी तो मैंने कहाँ का पूछा, जीरो से प्लस ए का पूछा, आगे जाके मैं आपसे जीरो से प्लस ए बाय टू का पूछ लूंगा, तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसके लिए ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑसिलेशन, इसको अच्छे से दोस्ती कर ले, और ओवर द टाइम में डायग्राम इतनी बार बना दूंगा कि आप लोगों को वैसे भी वो डायग्राम आ जाए। तो SHM बोला तो ऐसा ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल SHM है,
इसी में वर्टिकल एजेज है, मैंने क्या बताया वर्टिकल कब होगा, जब उस ब्लॉक को किससे टांग देंगे, और अध्यायनी का बैग टांग दिया, तो ऐसा ऐसा होगा। अब मैंने क्या बोला, स्प्रिंग होती तो है बट उसे हम लोग डायग्राम में बनाते हैं। तो बच्चों जो वर्टिकल एसएचएम होगा, देखो वर्टिकल एसएचएम कैसे बनाएंगे, तो एक लाइन बना दो, दोस्ती कर लेंगे इससे, इस लाइन को बीच में डिवाइड कर, बस। अब वर्टिकल है तो कौन सी एक्सिस पे, ये तो वाई एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वर्टिकल है तो कौन सी एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे, उधर भाई शांत नहीं रहना, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो जीरो से भाई पहले जीरो मीन पोजीशन है, मीन से पहले किधर जाएगा, नीचे, तो जीरो से किधर जाएगा, प्लस से, प्लस से मतलब प्लस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से किधर जाएगा, मीन, फिर मीन से नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस से, फिर यहाँ से क्या होगा, इस तरह से ऐसा दो इशारे कर लिया, ऐसा हॉरिजॉन्टल ऐसे चाहे और ऐसा वर्टिकल, सेम जैसा मैंने टेम्पलेट बताया, जैसा मैंने टेम्पलेट बताया यहाँ पे वैसे ही यहाँ पर भी देख लो इसे। हाँ अच्छा, तुम बोलो कि इधर प्लस माइनस से होगा, हाँ तो वो मैं सोच ही रहा था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर लो दोबारा सब कुछ ठीक है। नहीं पॉजिटिव मतलब एक तरफ का एक्सट्रीम और नेगेटिव मतलब दूसरे तरफ का एक्सट्रीम, जहां पे मतलब फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव होगा, चुप तो कहीं भी ले सकते हैं, चुप। सुनो बेटा अभी रामायण चालू करते तो पहले भजन जो कीर्तन दोहे हुए होते ना, अभी तो वही चालू किया है कि दशरथ जी के बारे में बता रहे हैं, दशरथ जी शादी कर रहे हैं, उनके पुत्र होंगे राम जी, तुम जरा सीता जी की बात करने पहुंच गए, तो खास तौर पे ये जो दो लोग हैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी सुनो बेटा, अभी तो मैंने एक नॉर्मल ऑसिलेशन पढ़ा रहा हूँ, होता क्या ऑसिलेशन, उस पर भी बात करेंगे, प्लस सब लिख जाए, तुम तो मैं जो बोल रहा हूँ बस वही सत्य है, तो उसको हाँ मान लो, ठीक है। अभी दिमाग मत लगाओ, ये हमारा क्या होता है, बेसिक ऑसिलेशन होता है। अब इस चैप्टर में कितनी इक्वेशंस, बस ये शुरू का एक दो लेक्चर थोड़े हुए, बाकी बाद में तो सीरीज, पहले लॉ ऑफ स्प्रिंग तो बच्चों वाली बात है, उसमें कोई दम नहीं है। थोड़ा उसको उधर कर लेता हूँ यार, मैं गिर जाऊंगा तो पता चले कुछ बच्चों को बोले अच्छा उजा लगे मैं चल रहा ना। पावरफुल बंदन है, सबसे पहला आता है क्यों हम लोगों को वही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसकी बात करना है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये तो बहुत कंफर्टेबल चीज है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो मेन काम है वो पहले इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। ये कैसे बनती है ये भी संभव हुआ तो बताऊंगा आगे सर्कल मेथड, बट वो आगे, अगर पहले सर्कल मेथड पर पढ़ा दूंगा तो आप लोग फिर एसएचएम को तलाक दे दो, बच्चों को लगेगा एसएचएम बहुत मुश्किल है, बट वो सर्कल मेथड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्या, सबसे पहले देखो, देखो बेटा एक मिनट, आज का लेक्चर बहुत ध्यान से देखो, ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्या, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो अध्ययनी था, अध्ययनी थे अध्ययनी के बैग को हमने क्या किया था, मतलब स्प्रिंग है नहीं बट उसको देखना, स्प्रिंग है, अध्ययनी के बैग को हमने उस पर टांगा और जैसे ही हमने टांगा तो वो ऑसिलेट कर रहा है,
ये अध्ययनी के बैग का क्या है? अच्छा, तो ये अपन अध्ययनी का बैग बना लेते हैं। ये अध्ययनी का बैग है और इस पे क्या लिखा है? सफारी। हाँ, अब ये अध्ययनी के बैग का सिस्टम हो गया ना। तो अभी ये जो बैग है ये कहाँ है? मेन पोजीशन पे। हमने क्या बोला, अध्ययनी के बैग को जब टांगेंगे, कोई बोल देगा सर पहले प्लस ए पे जाएगा कि पहले माइनस ए पे, वो चीजों में ना हो जाए। तुम लोग ज्यादा दिमाग लगा देते। तो जैसे ही उसके बैग को टांगा, कहीं भी जाए, पहले किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ऐसे जा रहा है। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे, देखो चलते 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 किसी भी इंस्टेंट पे अध्ययनी का बैग आपका यहाँ पे, यहाँ टी बराबर क्या है? सीरो। फिर से कह रहा हूँ, दिल पे लेना और उतना ज्यादा मत ले लेना कि किधर जा रहा है, पहले नीचे ऊपर, वो धीरे धीरे समय के साथ हम लोग समझ जाते हैं। बट हम लोग क्या मानते हैं, पहले जीरो से प्लस ए पे जाता है स्टैंडर्ड केस में, फिर किधर जाता है आपका? सीरो। देखो तो ये इक्वेशन किसकी, तो टी बराबर जीरो पे बच्चों जो अध्ययनी का बैग है वो कहाँ है? वाई बराबर जीरो, मिड पोजिशन पे। देखना, मैं ऐसा मान रहा हूँ पहले जीरो से किधर जा रहा है? प्लस ए पे, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हूँ। तो अभी जैसा बोल रहा हूँ वैसा का वैसा आप लोग मानो। मैंने क्या बोला, टी बराबर जीरो पे कहाँ है? मीन पे। किधर जा रहा है? प्लस ए पे। देखो थोड़ी घड़ी भी इस टॉपिक में लेके चलनी पड़ेगी, घड़ी भी एक इमेजिन करनी पड़ेगी। मेरे पास है घड़ी, में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप वॉच के टाइम को भी सेट कर सकते हैं। स्टॉप वॉच क्या बताएगी? टाइम बताई, तब देखना क्या है। तो जैसे ही इस अध्ययनी के बैग को मैंने यहाँ पर क्या किया, टांगा, मैंने क्या किया, मेरे घड़ी के स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। अब घड़ी तो क्या हो रही है आपकी, चलते जा रही है, और जो अध्ययनी का बैग है वो भी क्या, स्प्रिंग से लटक के ऑसिलेट कर रही है। तो हमने बोला अध्ययनी का बैग जैसे ही कहाँ जाएगा, प्लस ए पे जाएगा, तो जीरो से प्लस ए तक जाने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, घड़ी में नोट कर लूंगा। फिर t by 2, 3t by 4 और कितना हो जाएगा t। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला किसी भी t टाइम पे, धीरे धीरे दोस्ती होगी, क्या किसी भी जनरल t टाइम पे अध्ययनी का बैग कुछ ना कुछ चलेगा? मान लो मेन पोजीशन से जो उसके बैग ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो क्या है, ये किस टाइम पे एट जनरल टाइम, शब्दों में बोलो तो y क्या है, कितने टाइम बाद? अगर यही t की वैल्यू कैपिटल t बाय 4 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या बोलते हो, यही टाइम क्या हो जाएगा, अगर t बाय 4 हो जाएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है y, ये किसके बराबर हो जाएगा? प्लस a के बराबर। सहमत हो? फिर ये इक्वेशन से प्रूफ कराऊंगा। अब मुझे बताओ, अगर यही t टाइम बच्चों कैपिटल t बाय 2 हो गया, कैपिटल टी बाई टू तो वापस कहाँ जाएगा? मेन पोजीशन पे। तो ये वाई कितना हो जाएगा? जीरो। अगर मेन पोजीशन पे लौट गया, मतलब मेन पोजीशन से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो फिर से बोलो, ये वाई क्या है? हिंदी में, किसी भी टी समय पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? मेन पोजीशन से। अगर यही टी की वैल्यू 3t बाई 4 हो गई तो वो y किधर हो जाएगा? माइनस से। और यही t की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, कैपिटल t हो गई तो पोजीशन। ये आपने मेरे अनुभव से, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है उससे बताया है, बट ये ऐसे नहीं आता, ये आता किससे? इक्वेशन से। वो इक्वेशन में आप लोग को बताऊंगा और उससे प्रूव भी कराऊंगा। तो अब याद करने की बात आती है क्या, तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ SHM होती है, बस यही एक चीज है जो हमको कट्टरता से याद करनी। कट्टरता से मतलब अभी बिना सोच समझे, दो तीन दिन बाद ये इक्वेशन कहाँ से आती है वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है साय है दवाई वे फंक्शन है उसको याद कर लो, ये इक्वेशन बनाएंगे बट आगे हम कहाँ से, सर्कल मेथड से। अभी याद रखना, तो जनरल इक्वेशन ऑफ SHM होती है y is equal to ए साइन ओमेगा। अच्छा, इसका एक फायदा भी है, SHM वेव्स के क्वेश्चन सुनने में मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को लगता है वो, बहुत से लोग तो साइन कॉस देख के ही, ऐसा ही हमारे काम की चीज नहीं। तो
तो भाई इससे डरोगे, इसके क्वेश्चन इतने इजी आते हैं, सिर्फ कंपेयर कर, कंपेयर करने वाले, सिर्फ वैल्यू वैल्यू रखने वाले, बिल्कुल बच्चे। और हो सकता है तुमने कोलिजन और इसमें बहुत मेहनत करी हो सर्कुलर मोशन रोटेशन में, बट मैकेनिक्स का क्वेश्चन टफ आ जाता है। ये मैकेनिक्स की खास बात है कि प्रैक्टिकल तो है बट उसका क्वेश्चन टफ बन सकता है। और थर्मोडायनामिक्स एसएचएम वेव्स, ये भले उतने प्रैक्टिकल ना हो एसएचएम, बट इनके क्वेश्चन ही आते हैं। बिल्कुल बच्चों वाले पीवी ग्राफ दे दिया, आइसोबैरिक का वर्क डन बताओ, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बताओ, या आपके नीट के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, प्रोवाइडेड लोग देख के डर जाते हैं। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या है बच्चों, ये क्या है? सो दिस ए इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, या फिर सिंपल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। और नई बात ये क्या है? ये हो चुका है। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर यहाँ पे एंगुलर को कुछ घूम तो रहे नहीं, सर्कल मेथड होगी, बताऊंगा कि मैं घूमता, बट ओमेगा के बारे में आप लोग जानते हैं। ओमेगा के मैंने आप लोगों को तीन फॉर्मूले बताए थे, अथर बताएगा, पढ़ाया था ना ओमेगा, नहीं ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी के तीन फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। अब अच्छो सर्कुलर मोशन के फर्स्ट डे फर्स्ट सेकेंड डे का बताए थे। हाँ भाई फॉर्मूले याद नहीं तो कोई बैठने का मतलब नहीं है, पुराना काम पूछूंगा आना चाहिए। सिद्धि पेपर हुआ बेटा, थारमनों का पेपर हुआ भी। हाँ बेटा तुम बताओ। हाँ ये भाई आपका नाम क्या है? अदिति। हाँ हाँ आपको बताना है। फॉर्मूले का जवाब नहीं तो नियम वही अपना, तो क्लास में बैठने कोई मतलब नहीं, वैसे भी जगह कम है, सीट्स आर लिमिटेड, तो अगर तुम लोग चाहते हो थोड़ी हमारी जगह खाली करो, दिक्कत हो रही बैठने में ना, कर दे अतर की जगह खाली, नहीं इसकी कर दो, कर दो इसकी, कर दो क्या होता है टू बाई टी और कुछ क्या है ओमेगा, क्या पता मैंने से बोला शायद थीटा बाय टी, तुम बताओ ना बेटा। बाय टी टी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आरपीएम अपॉन, ऐसा रट ऐसा रटना चाहिए वो, इसको बोलते रटना एक्चुअली में, है ना? बैठो, ये तो बैठो, ये तो भ्रम है कि फिजिक्स में सब समझना, किसी भी टॉपिक में सब समझ लेने का, फॉर्मूले तो याद करोगे बनाओगे खुद से। सर पर वो क्वेश्चन देख के टाइम पे हो जाता है बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब तुमको क्या एग्जांपल दो इसका, सुनो अच्छा लगे फिर आप बुरा मान देते। नहीं मान दू मतलब नहीं, एग्जाम्पल भी मत दो, मैं बुरा भी नहीं मानता। हाँ तो बेटा चीजें समय पे याद आएगी, इसका भरोसा ना करें, चीजें याद होगी तो वो हमेशा याद आएंगी, है ना? तो तीन फॉर्मूले बताए, ठीक है एक बार बता देता हूँ मैं, अगली बार मौका नहीं दूंगा। क्या बताया था? एक तो थीटा बाय टी नॉर्मल, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सिंपल, और डिस्प्लेसमेंट वहां कौन सा लेते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा बाय टी। दूसरा एक कंप्लीट चक्कर में थीटा कितना होता है? और टी कितना बन जाएगा टाइम पीरियड, तो क्या बनता है? और वन अपॉन टाइम पीरियड क्या लिखा था? फ्रीक्वेंसी, तो वहां क्या हो जाएगा? 2.2 एफ और आरपीएस वाला भी वो यहाँ पे यूज नहीं आएगा, तो अगली बार नहीं बताऊंगा, इसको ध्यान रखना। तो इसकी जगह पहला क्या लिख सकते हैं? पहला फॉर्मूला पहला थीटा बाय टी, या फिर 2 पाई बाय कैपिटल टी रिवाइज कर लो, या फिर 2.2 एफ। ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। So this is the equation of displacement. यहाँ पर देख लो, लिख लो भले, तो A amplitude है, omega 2 pi by t है, small t क्या है? At any time, किसी भी time पे, at any time t, और प्रेशर का y क्या है? ये y क्या है? किसका displacement?
बोलो, शब्दों में भी बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? कुछ लोग बोलते हैं हमको शब्दों में बोलते नहीं आता, ऐसा बोलते हैं क्या? शब्दों में समझा नहीं पा रहा हूँ क्यों भाई? ये तो वाली बात हो गई, किसी लड़की को बोला मैं तुमसे लड़का नहीं हिमांशु, किसी लड़की को बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बट मैं तुमको आई लव यू बोल नहीं पा रहा हूँ, बयान नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कौन सी बात हुई भाई? क्या किसका डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारा कि मेरा? किसका डिस्प्लेसमेंट? इसका, शब्दों में बोलो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ माँ। माँ एस एच एम कौन कर रहा है? इसका बैग, कुछ भी हो सकता है, सफारी, हाँ। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में कहते हैं ऑफ अ पार्टिकल, बुक में इट इज द इक्वेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, किस टाइम पे? एट एनी टाइम टी, और कहां से? नापते काल, ऑन द मेन पोजिशन। इसको खा लो, अभी 12 बजे लंच है ना, हाँ, तो जो पेज पे लिख रहे हो उसको फोल्ड करके, कल से अगर इसका आंसर नहीं आए तो आप लोग इसलिए रहोगे नहीं, क्या बेटा फोटो वोटो खींच रहे हो? सर वो डब्ल्यू के बाद जो टी है वो क्या है? ओमेगा टी क्या दिन दिखा रही बताओ जिंदगी? पहले मोबाइल क्लास में निकालते नहीं थे, अब लोग मोबाइल निकाल के बढ़िया चैटिंग वेटिंग कर रहे हैं। कहा जाऊ मेरा फोटो क्यों ले रहा हूँ? अच्छा मेरी शादी में पता नहीं आपको? पता चले बहुत मजा ना शादी की बात तुम लोग में, क्यों बता शादी वादी से क्या होता? लिविंग में आजकल लिविंग चल रहा कितना तुम लोगों को ध्यान इधर दे रहा इतना ध्यान तुम्हारा इसका ले रहा है, थोड़ा काम ये बच्चे बिगड़ जाएंगे बेटा, सीधे सीधे बच्चे है ना, क्यों बेटा तुम तो मैं ऐसी बातें नहीं करता, रितु की बात सुनी थी ना मैंने एक बार, इधर खड़ा हो गया, कितनी बातें कर रही थी ये मुझे छोड़ के यहाँ सब तुम बिगड़े हो भाई, देखो बोलना पर कोई ज्यादा गंदी बात मत बोलना हिमांशु, बेटा यहाँ सब चील का हुआ है, तुम थोड़ा सा कुछ बोलोगे ना उसको पूरा निकाल लेंगे बात, है ना? कुछ बोलते है तो ये देखती रहती है, अच्छे है तो क्या कोई काम के थोड़े नाम देखो, अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं थोड़ा इससे और दोस्ती करते हैं, और अपन अपने क्लास में जो नए मेहमान हैं आदित्य, तुम शायद पहली बार आए हो ना, पहली बार आए हो, आते क्यों नहीं थे अभी तक? क्यों नहीं आते थे? तो अभी क्या बस खरीद ली? ट्रांसपोर्ट का हो गया तो बस नहीं होगी, अच्छा बाकी बच्चे कौन है इसे? आज ये आई है थोड़े बात हो गई तो भाई, ये बच्ची कौन है? ये तो नहीं है, तो ना क्या दीपल मेंढे, तुम सब लोग वो क्या बोलते हैं बच्चे हो जिनका अभी तक मैंने सिर्फ नाम पूछा था, कहाँ जा रहे हो सही में? तो बेटा आप लोग आया करो, अच्छा लगता है ना,
तुम भी सुना। मैं तो रोजी आती हूँ। चलो सर आपको भरोसा नहीं करना सर, मोबाइल भरोसा नहीं करना मेरे बच्चों का भरोसा करना क्या कर लो तुम बाहर। इस इक्वेशन को यूज करना सिखाता हूँ मैं, क्या बोलते हो अंकल? देखना हाँ, तो अदिति से पूछ रहे जो कि नई मेहमान इसका स्वागत करेंगे। तो बेटा जैसा कि मैंने कहा कि ये वाई डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी टी समय पे, तो हमारे हाथ में ये टी है। अब इस टी की वैल्यूज हम लोग अलग अलग रख सकते हैं जो तुम चाहो। जैसा कि मैंने कहा यहाँ मेन पोजीशन से टाइम हमेशा चालू करते हैं, तो ये टी बराबर जीरो। अब जो बोला उसको प्रूफ करते हैं कि जब ये टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वन फोर्थ के बराबर हो जाएगा। क्यों आदित्य? जब ये टी बाय फोर के बराबर होगा तो वाई किसके बराबर हो जाएगा? प्लस से। यहाँ रख के देखो, देखो डरना नहीं बस साइन कॉस टेन से। अगर डरे नहीं तो पूरा वेव टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि वेव में साइन और कॉस पे ही कहीं ना कहीं हमको दोस्ती करते रहे। हाँ बेटा, तो मैंने बोला जब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल टी बाय फोर, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? प्लस। ये तो लॉजिक से बताएं, क्या यही इस इक्वेशन से भी आता है क्या? वो हम लोग देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है, तो y इज इक्वल टू a sin, जिस t टाइम पे पूछे उसकी वैल्यू रख। तो आपके लिए सवाल है ओमेगा की वैल्यू फॉर्मूला क्या बताया दी? हाँ बैठो, तो कितना होगा 2 पाई बाय कैपिटल t। ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा की। ओमेगा और किस t टाइम पे? तो इनटू किस t टाइम पे? कैपिटल t बाय 4। यहां रखना किस t पे? एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल t। तो देखो आ रहा है क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कौन कौन कट रहा है? टी से टी क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसर। और टू से ये भी क्या हो जाएगा? कैंसर। तो अंदर क्या बचेगा? हाँ सिर्फ बैठना नहीं भाई, y is equal to a sin। इधर अंदर क्या बचेगा? हाँ ये टी से टी कट गया, टू से फोर कट गया, तो कितना आ जाएगा? साइन पाई बाय टू। अब जो लोग हाँ रेडियन और डिग्री से कंफर्टेबल नहीं है, क्यों बच्चों? पाई बाय टू मतलब कितना एंगल होता है? पता है ना पाई बाय टू किस में है? रेडियन में। डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको नहीं आता। तो पाई बाय टू मतलब कितना? 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस। आ गई क्या? तो ये क्यों रखना सीखा है? इससे आप कंफर्टेबल होंगे कि भाई ये जो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जो पिक्चर में लाए हैं, ये है क्या? बुक में वो लिखा है, इक्वेशन है, बट इसके आगे वो डायरेक्ट वेलोसिटी निकालना चालू कर देते हैं। भाई वेलोसिटी मेन ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसेशन। अब पुट करो अलग अलग टाइम, आपके सुप्रत अगला टाइम क्या होना चाहिए? अभी मैं चार पोजिशन पे लूंगा, यहाँ 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 यहाँ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पीसी कहीं का भी ले लेंगे। ठीक है चलिए पुट करो फटाफट सब लोग। तीसरा टाइम 3t बाय 4। बेटा इधर उधर बिना बातें करें फटाफट करो इसको। देखो ये चार टाइम पे डिस्प्लेसमेंट वही डिस्प्लेसमेंट आ रही है जो मैंने बताए थे, या कुछ और आ रहे हैं? 3t बाय 4 पे भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को याद रखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस कितने होते हैं? बेसिक वैल्यूज। हाँ फटाफट रखो सब लोग। ओमेगा की जगह रख देना क्या? 2 पाई बाय टी। रखो बच्चों फटाफट, ओए रखो बटन का दो। हाँ बेटा भाई बे भाभी पॉज। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। और ये चार पोजीशन पे मैंने आप लोगों को देखना। ठीक है अब क्या बताऊंगा वो देखना ना। आगे लो इसको उठा दो, खींच लो फोटो, खींच लो ग्रुप पे भेज देना, कोई एक जना खींचो सब खींचो भेज देंगे ग्रुप पे, चिंता मत करो बेटा। फिर से लिख देंगे तुम बोलो एक बार। सच में?
सोचना, देखा कितनी जल्दी बोली वो। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्वेश्चन में क्यों नहीं आता मैं? तुम क्या ब्रेन पढ़ रहा है? मैंने हो गया तो दिमाग डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा? पढ़ लिया क्यों बेटा? पढ़ तो लिया पर डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा? अब देन स्टडीज टॉक्सिक है बेटा। जिंदगी में एक बार बीवी धोखा दे सकती है। कौन दे सकती है? गर्लफ्रेंड धोखा देती है। उल्टा वाइस वर्सा भी दोनों के लिए। मम्मी पापा भी दे सकते हैं। मैं भी पापा कभी कभी करता है, बट पढ़ाई एक ऐसा ज्ञान है ये कभी आपको छोड़ती नहीं। आपने MBBS कर लिया, MS कर लिया, अब तुम नहीं कमाओ तुम्हारी बात अलग है, बट वो ज्ञान आपको है, जहाँ आप जाओगे वो आपको पैसा देगा। तो ये टॉक्सिक नहीं है बेटा। मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। ऐसा दिमाग चाहिए आपने को ना, तो ये अच्छा दिमाग है, सही दिशा में लगाओ इसको। तो ज्ञान का अपना पैसा है। और क्या होता है, आपको पढ़ाई बहुत वफादार भी होती है, ज्ञान भी वफादार है। मैंने पहले भी कहा था, आप उसकी तरफ भागोगे तो वो आपकी तरफ भागेगा। करके देखो, तुम इंटरेस्ट लो किस सब्जेक्ट में, जैसे ऐसे चल, ये ज्ञान है, आप इसमें इंटरेस्ट लो तो ये आप में रह लेगा इंटरेस्ट, ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। तुम इससे दूर भागो, जैसे कुछ बच्चे क्या करा रहे हैं, तो इसमें क्या और इसका एक अट्रैक्टिव पावर भी है और रिपल्सिव पावर भी है। आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करके देखो, आप एक दो लेक्चर अवॉइड करके देखो, ये आपको पूरा टॉपिक अवॉइड करवा देगा। तो ज्ञान और बाकी जो तुम कर रहे हो ना, ये हिमांशु फालतू की चीजें कर रहे हो, पता तुम लोग ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ना। गंभीर बात हो गई। तो अब गंभीर बात ये है कि इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम लोग और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लोग देखना। इंग्लिश जानते हो? थोड़ा इंग्लिश में बोलू, थोड़ा देखो भी नहीं आती। नहीं, मैं भी वैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, पर वो बोलता नहीं हूँ ज्यादा, क्यों बोलना? सही नहीं। मेरे सामने तो कोई इंग्लिश में बोलता भी ना, जैसे कोई बोलता, मेरी बहन बोलती आवाजी करती बहुत, तो मैं एग्जीक्यूटिंग भारी शब्द है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका मतलब ये लाइन भी हर जगह लिखेगी, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सीधी बात है हमारी देसी भाषा में स्प्रिंग है और ये कर दो, ये ऐसे ऐसे इशारे कर दो, बस ज्यादा भी नहीं करना है। तो कितना मजा देखो, तो एग्जीक्यूटिंग ऐसे मतलब ये कहानी ये कर रहा है। उसके बाद और बोलेगा, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए एंड विद टाइम पीरियड टी, ऐसा आपको आपके एग्जाम में लिखा मिलेगा। क्वेश्चन सुनना, वो सब तो बना लेंगे। आफ्टर व्हाट टाइम या एट व्हाट टाइम इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। चाहे तो उस लाइन को क्वेश्चन लाइन लिख लो, नहीं तो आप लोग शुरू की कहानी ठीक है, पार्टिकल इज एक्सीक्यूटिंग एक्सिम तो ठीक है, फालतू बात है। आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, तुम लिखो, हाँ, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट।
आफ्टर व्हाट टाइम इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या है, तो फोटो बना के दिया होगा, बच्चों देखो फोटो बना के दिया होगा, तो कोई समस्या नहीं है, उसे आप लोग बहुत आराम से और बहुत प्यार से कर लो। पर सवाल ये कि जब फोटो बना के नहीं दिया होगा, एक बार आप लोग पढ़ के बताओ तो क्या दिया है, क्या पूछा है, किसका है? तो अब यहाँ उल्टा पूछ लिया, यहाँ पे क्या पूछा है, कितने टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ किसका, हाफ दोनों क्वेश्चन बनेंगे। तो पॉजिटिव लड़कों तुम भी पढ़ो, तुमको भी क्वेश्चन लिखाया भाई, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाए, सही है, आप भाई पार्टिसिपेट करो तभी तो समझ में क्लास में क्या चल रहा है। मतलब पूछा है एट व्हाट टाइम, मतलब टी की वैल्यू कितनी हो, ताकि डिस्प्लेसमेंट मतलब y की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम पॉजिटिव मतलब प्लस से माइनस a का क्या हो जाए, बस यहाँ पे साइन कॉस टेन की बेसिक क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। मतलब बच्चों फोटो कैसा बनेगा, सुनो ये y is equal to 0 है, इस फोटो दो से कर ले, पहले कहाँ जाएगा प्लस से, फिर कहाँ जाएगा माइनस से, देखना ये टाइम क्या है यहाँ पे t बराबर 0, देखेंगे बच्चों एक बार, देखो इधर आप लोग लिए तो बहुत सारी बात करेंगे, देखो इधर ये तो t बराबर 0, इसका बैक था, इसका बैक था, इसका बैक क्या करा था, ऑसिलेट करा था, हमने पूछ लिया यहाँ से कितने टाइम बाद उसके बैक का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, मतलब कहाँ पहुंच जाएगा इसका बैग, यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा मिड पॉइंट, तो ये y की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, प्लस a की माइनस a, प्लस a, तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का आधा कितने टाइम बाद हो। अब देखो व्हाट इज द देसी गणित, देसी गणित समझते हो, नॉर्मल एक देसी बात क्या होता है, पहले मेरे को बताओ ये टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, जीरो से दोस्ती कर लो कितना है, टी बाय टू। अच्छा सर देखो, तो बहुत अच्छी सी बात है, देखो बेटा आप भी देखो सुनो, तो जीरो से प्लस ए का टाइम तो कितना होना चाहिए, टी बाय फोर, पढ़ा लिखा बच्चा देसी गणित क्या लिखा देखना, तो जीरो से प्लस ए का अगर टी बाय फोर है, तो जीरो से प्लस ए बाय टू का दिव्या कितना होना चाहिए, टी बाय फोर का आधा होना चाहिए क्या, पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाने का ये समय, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय जीरो से प्लस ए का ये समय कितना है, कैपिटल टी वाई, मैंने किसका समय पूछा है, तो मैंने जीरो से उसका आधा मतलब प्लस ए बाय टू का पूछा, तो एक देसी गणित क्या बोलता है कि ये समय क्या इसका आधा होना चाहिए, नॉर्मल अगर एक एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितना आएगा, टी बाय फोर का आधा, टी बाय फोर का आधा, टी बाय टू, टी बाय, टी बाय, टी बाय, तो ये पहला गलती संभावित है कि हम लोग बेसिक मैथ्स का एवरेज ले लेते हैं, ये क्या लिया मैथ्स का एवरेज लिया, कितना टाइम टी बाय फोर है तो इसका आधा क्या होगा टी बाय एट, तो क्या ना करें यहां लिखना, क्या ना करें तो डायरेक्ट मैथ्स का गणित ना लगे, क्योंकि जो आंसर आएगा उसे भी आप लोग देखें और कैसा आएगा वो देखो। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया, जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सट्रीम क्या प्रश्न का, y इज इक्वल टू a साइन, कल आज तो पहला दिन है, कल के बाद अगर ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप लोग या तो चलता या फिर तो भारत में चला कंपटीशन, ओमेगा कितना, 2π/3 t, मैं चोट अभी याद रहता है क्यों बेटा, लॉन्ग टर्म बाय स्प्रिंग कितना होता है, ये बायोलॉजी में हार्मोन पढ़ा था ना, कोई साथ नहीं उसे, ये हार्मोन कौन सा होता है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एकदम से क्या बोला कि यार कोई बात का मैंने तो बोल दिया कि बेटा मारूंगा पकड़ के, ध्यान रखना
तो वो दिमाग में ही डोबल लग गया क्या, मैं जैसे पूछूंगा तो आप एकदम से यार सर मैं तो मारूंगा यार, तो वो फॉर्मूला तो इसमें मारेंगे नहीं और भी बहुत कुछ कर देंगे हम, है ना। तो इसको ध्यान रखना, कल से आप लोगों के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन बच्चों क्या था कि टाइम दिया डिस्प्लेसमेंट पूछो, उल्टा वाला अच्छा रहता है कि डिस्प्लेसमेंट दिया, देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया और क्या पूछेगा वो आपसे टाइम। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, चाहो इसको अभी लिखे रहने दो ओमेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो किस टाइम पे जो ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस ए। तो यहाँ पे वाई की जगह ध्यान से देखना सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि थोड़ा मेरा मैथमेटिक्स है। तो वाई की जगह रख दिया प्लस ए बाय टू, दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिव्या बस अब इसके आगे कौन बढ़िया आएगा, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा। अब यहाँ तक तो कोई पहुंच गया कि भाई वन बाय टू इज इक्वल टू साइन ओमेगा, इसको सॉल्व कैसे करें, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। देखो ये तो ठीक है ओमेगा टी मतलब ये तो थीटा होता, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो बच्चों। अगर इक्वेशन में एक तरफ आर एच एस में सब दो मिनट बस, दो मिनट में चलता, अगर आर एच एस में साइन आया है और एल एच एस में कोई नंबर आ गया है तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है साइन की वैल्यूज देखो, क्या साइन की वैल्यू 1 बाय 2 किसी को होती है, किस पे होती है, तो क्या इस 60 बाय 5 बाय 5 बजना तुम, तो इसको कितना लिख देंगे हम लोग साइन 30 मतलब रेडियन में, डिग्री में एंगल फिजिक्स में नहीं चलता, और ये किसके बराबर होगा एस आई एन एन टू, बस इसके बाद क्या होगा साइन से साइन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बोलते हो बच्चों। तो यहाँ से टी की ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव बाय सिक्स, तो ओमेगा टी बराबर कितना पाई बाय सिक्स, और इसको कितना लिख दूंगा टू पाई बाय, अब कौन जाएगा पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, टू से सिक्स भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो समझे। इसका मतलब क्या, ये टाइम किसका मिला बच्चों, किसका कहां से मीन से कहां तक जाने में a बाय टू जाने में जो समय है वो कितना है t बाय 12, और देसी गणित से कितना आ रहा था चलो उसको कल बात करें, यहाँ पे कल के लेक्चर में कोई छुट्टी ना मारे, कल के लेक्चर में अगर छुट्टी आप लोग मार रहे हो तो अगली बार आप लोग प्रकट होना लगभग 15 मार्च के आसपास, जब ये ऑसिलेशन वेव्स खत्म हो जाए। क्यों सर, क्योंकि कल का जो टॉपिक रहेगा बच्चों उसी पे आगे की हमारी पूरी एसएचएम डिपेंडेंट होगा, ठीक है। आज घर का काम क्या है दे दिया है, हाँ कल फिर से इसको पढ़ के लाना, थोड़ा डिस्कशन करेंगे और आगे कल भी टेस्ट होगा, टेस्ट रोज होगा।